नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 30 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सड़क निर्माण में हो प्लास्टिक का इस्तेमाल, नीतीश कुमार। पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ ही उनका रखरखाव होना भी जरूरी है, इसलिए सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम के दायरे में लाया जाए। बिहार के दो आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ तबादला। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर भृगु श्रीनिवासन को बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर निर्मल कुमार आजाद को एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। बिहार के बाद पप्पू यादव यूपी में हुए सम्मानित। बिहार में हाल ही में हुए भारी बारिश में जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव मसीहा बनकर उभरे थे। पप्पू यादव के निस्वार्थ योगदान के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर सराहना की जा रही है। इसी बीच वाराणसी के राम मनोहर लोहिया घाट पर गोवर्धन पूजा के दौरान पप्पू यादव को उनके इस काम के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर काफी लोग उपस्थित थे। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गंगा में नहीं चलेंगे नाव। दिवाली के बाद अब छठ की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। घाटों की साफ सफाई के साथ साथ घाटों की दुरुस्ती पर लगातार जिला प्रशासन काम कर रही है। छठ पूजा के मद्देनजर गंगा नदी में नावों के परिचालन की मॉनिटरिंग की जा रही है। 31 अक्टूबर को नहाय खाए से 3 नवंबर तक नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ घाटों पर पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बाढ़ प्रभावित द्वारा क्लेम बीमा का भुगतान होगा एक महीने के अंदर। जलजमाव से प्रभावितों के लिए खुशखबरी। जलजमाव में खराब हुए सभी गाड़ियों पर क्लेम बीमा का भुगतान सरकार एक महीने के अंदर करेगी। ज्ञात हो इन क्लेम्स का भुगतान केरला और जम्मू कश्मीर के तर्ज पर बीमा कंपनियां करेंगी। सरकार ने आयोजित एक बैठक में सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर बीमा भुगतान करवाया जाए। बैठक में नेशनल इंश्योरेंस, रिलायंस, ओरिएंटल और SBI जैसे बीमा कंपनियों ने शिरकत की। इस बैठक में आपदा प्रबंधन प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। आज से चलेगी फिरोजपुर दरभंगा त्योहार स्पेशल ट्रेन। त्योहारों पर रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे फिरोजपुर दरभंगा फिरोजपुर के बीच ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04654 फिरोजपुर दरभंगा विशेष रेलगाड़ी फिरोजपुर से दोपहर 12:40 चलकर कल रात 11:30 दरभंगा पहुंच जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 04653 दरभंगा फिरोजपुर विशेष रेलगाड़ी 1 नवंबर को दरभंगा से सुबह 4:30 चलकर अगले दिन 3:05 पर फिरोजपुर पहुंच जाएगी। लालू ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ध्यान आजकल बाहर हो रही सारी राजनीतिक हलचल पर है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि चुनाव आने से पहले जनता के बीच में जाए और लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। टाइम पास मत करो, विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। बिहार दौरे पर 5 नवंबर को आएंगे जेपी नड्डा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मैदान में उतरने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 नवंबर को बिहार का दौरा करने बिहार आएंगे। इसके बाद वह कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक समारोह में सम्मिलित भी होंगे। वैशाली जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। वैशाली जाने वाले लोग इन स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय ऑफ वैशाली, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल का गढ़, अशोक स्तंभ, कोरोनेशन कुटागारशाला विहार जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी जरूर करें। चौमुखी महादेव मंदिर। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से जाने वाले लोगों को 1 से 1.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से वैशाली की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। बीपीएससी 65वीं प्रीलिम्स की आंसर की हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है वह आंसर की को www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आकलन कर सकते हैं। आपको बता दें यह परीक्षा 15 अक्टूबर को राज्य के 35 जिलों के 718 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। सरकार जल्द देगी मजदूरों के बीमा का प्रीमियम। भुवनेश्वर में श्रम मंत्रियों की बैठक में श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मजदूरों के लिए लागू पीएम श्रम योगी मानधन योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान बिहार सरकार जल्द करेगी। इस प्रस्ताव पर सरकार अपनी ओर से हर संभव काम कर रही है। इस योजना में मजदूरों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान जो 55 से 200 रुपए महीना है उसका भुगतान बिहार सरकार अवश्य करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से बिहार में लगभग 13 लाख श्रमिकों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। अब तक 1.5 लाख श्रमिक ही इस योजना से जुड़ सके हैं। उपेंद्र कुशवाहा आए डीएलएड करने वालों के समर्थन में।
रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि सरकार एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के साथ नाइंसाफी कर रही है। आपको बता दें, सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक नियोजन में शामिल न करने का आदेश सुनाया था, इसलिए डीएलएड पास युवक गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। उन्हीं से मिलने पहुंचे कुशवाहा ने उनकी मांग को जायज ठहराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे कार्यकाल में ही इन युवकों ने ट्रेनिंग किया था, इन्हें शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। केंद्र सरकार ने पंचायती राज को दिए 2837 करोड़। राज्य के ग्राम पंचायत संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2837 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में राज्य को दूसरी किश्त के रूप में यह राशि पंचायत राज को जारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है, जिसके पश्चात 15 दिनों के अंदर राशि के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कोर्स पूरा होने के पहले लगभग 80% बच्चों को मिला प्लेसमेंट। एनआईटी पटना का माहौल बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भाने लगा है। कोर्स खत्म होने से पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 80% बच्चों का प्लेसमेंट कर लिया है। 2016 बैच के बीटेक के छात्रों का सत्र अप्रैल में खत्म होने वाला है, मगर उससे पहले ही 428 छात्रों में से 329 छात्रों का प्लेसमेंट काफी अच्छे पैकेज के साथ कर लिया गया है। बिहार में आंशिक बादल छाने से तापमान लुढ़का। बिहार की राजधानी पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को आंशिक बादल छाए होने की वजह से राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को पटना का न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही गया में 17.4 डिग्री और पूर्णिया का 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाली, स्वच्छता और मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले के स्मारणालय स्थित संवाद कक्ष में बैठक की। आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छता योजना और मनरेगा योजनाओं के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने के कारण सिकंदरा, खैरा और बरहट प्रखंड के पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया। अमेरिकी मैगजीन के टॉप मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट की सूची में बिहार के शुभम को मिली जगह। बिहार के अररिया जिले का रहने वाला शुभम गौरव को अमेरिका के चर्चित इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स पत्रिका ने टॉप मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट इन द वर्ल्ड की सूची में स्थान दिया है। आपको बता दें, शुभम दुनिया की 500 से अधिक कंपनीज और सेलिब्रिटीज को मार्केटिंग टिप्स दे चुका है, जिसके पश्चात शुभम को इस सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो, शुभम बिहार के अररिया के जोकीहाट के मूल निवासी है। छठ पूजा पर 4 स्पेशल ट्रेनों का हुआ परिचालन। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने पटना दुर्ग सहित 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। दुर्ग पटना के बीच चलने वाली ट्रेन बिलासपुर, राउरकेला, रांची, बोकारो, गोमो, गया के रास्ते परिचालित होगी। ट्रेन संख्या 08295 दुर्ग से आज शाम 4 बजे खुलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08296 31 को पटना जंक्शन से 12:30 बजे रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 80627 आज 2:05 पर खुलेगी। भाजपा के नित्यानंद राय और राजद के हनुमान दिखे साथ साथ। दो विरोधी दल के नेताओं को एक साथ देखते ही सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई। राजद के हनुमान और भाजपा की ओर से यादव चेहरा नित्यानंद राय को एक साथ देखते ही चर्चाओं के बाजार में हलचल शुरू हो गई। हालांकि जिस मंच पर दोनों नेता साथ साथ दिखाई दिए वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि गोवर्धन पूजा को लेकर एक सामाजिक कार्यक्रम का मंच था। गिरिराज सिंह की बैठक में नहीं शामिल हुए नीतीश सरकार के अधिकारी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक का आयोजन किया था, लेकिन उस बैठक में जिले के स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन ही शामिल नहीं हुए, जिस कारण केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी, जिसके पश्चात भड़के गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को जमकर खड़ी कोठी सुनाई। चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पटना में गर्दनीबाग स्थित ठाकुर बारी जाकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। साथ ही साथ राज्य के विकास, सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्दनीबाग में नवनिर्मित परमेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठाकुर बारी चित्रगुप्त पूजा समिति की तरफ से अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। महेंद्र सिंह धोनी रांची में खोलेंगे अपनी एकेडमी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए दिन कुछ न कुछ नया करते रहते। अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पैतृक स्थल रांची में अपनी क्रिकेट एकेडमी खोलने पर विचार विमर्श किया है, जहां वो छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। खबरों के अनुसार धोनी के दोस्त मिहिर दिवाकर की कंपनी आर्का स्पोर्ट्स ने एकेडमी खोलने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। हाउसफुल 4 100 करोड़ की पहुंची करीब। दिवाली के बाद हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। 5 दिनों के बाद हाउसफुल 4 ने लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इस फिल्म से और उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि अभी भी अक्टूबर में काफी छुट्टियां बाकी है, जिससे कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस मिल सकती है।
अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में दिन भर धूप रहेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में दिन भर तेज धूप, वहीं शाम ढलते ढलते मौसम सामान्य हो जाएगा। अब 10 दिनों के अंदर लोगों को मिल रहा है लाइसेंस। वाहन को निबंधन करवाना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोटर अधिनियम के संशोधन के बाद वाहनों से संबंधित समस्याओं का समाधान 10 से 30 दिनों के अंदर अंदर किया जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पर तो परमानेंट लाइसेंस आवेदन करने के एक सप्ताह बाद ही लोगों के घर पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें कुछ कम हो गई है, वहीं आम जनता को काफी सहूलियत भी मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।